नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आप लोगों की मंथली रीडिंग। ओके, अगस्त का महीना आप लोगों का कैसा जाने वाला है वो मैं बताऊंगी अपनी रीडिंग के जरिए। और आप लोग अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या फिर नॉर्थ नोड के अकॉर्डिंग अपना पाइन चूज कर सकते हो। और हाँ, मेरी चैनल हर एक रिलीजन के लोगों के लिए है, हर एक कास्ट के लोगों के लिए है। इसे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया के कौन से कोने में रहते हो, ठीक है। यहाँ पर हर एक के लिए ये चैनल ओपन है, ठीक है। और अगर कोई इंसान दूसरों के रिलीजन को लेकर या दूसरों के कास्ट को लेकर मेरे चैनल पर आकर उल्टा पुल्टा कमेंट करता है तो मैं तुरंत उस इंसान को ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। आप लोग अपना सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नॉर्थ के अकॉर्डिंग अपना पाइल चूज कर सकते हो। और मैंने पाइल्स को चार हिस्सों में डिवाइड किया है, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ आप लोगों के लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी हैं, इसको मैं लास्ट में देखूंगी, ठीक है। ऑरेकल मैसेजेस तो मैंने प्री शफल करके ही रखा है इन कार्ड्स को। तो सबसे पहली बात, जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी जो मुझे दिखा वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। जब मैं शफल कर रही थी तब भी मुझे दिख रहा था फोर ऑफ वॉन्स एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था, जैसे कि आप लोगों को कोई स्पेशल वन प्रपोजल देने वाला है मैरिज से रिलेटेड। ओके, किसी किसी को लव से रिलेटेड प्रपोजल देने वाला है। ओके, ये मैसेज आ रहा था। प्लस मुझे एक और चीज़ दिख रहा था, जैसे कि आप लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। प्रॉब्लम मीन्स फिलहाल राइट नाउ आप लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ा समस्या जैसा बना हुआ है, चाहे वो आपके लव लाइफ से हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से हो या किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग उसको ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। एक किस्म की सुकून आएगा, ओके, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप लोग उस ऊंचाई तक पहुँचोगे जिसके लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो। ओके, उस ऊंचाई तक पहुँचोगे जिसके लिए आप लोग काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म मेहनत करते आ रहे हो, वो आपको मिलने वाला है, यानी सक्सेस यहाँ पर आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कार्ड्स में क्या बताया जा रहा है, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आया है आपके लिए एट ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ सॉट्स, फोर ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आया है आपके लिए थ्री ऑफ सॉट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द वर्ल्ड और वर्ल्ड के नीचे ही है आपके लिए एस ऑफ कप। ओके, तो सबसे पहली बात, एक किस्म की कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन कुछ इस चीज़ का होगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एंड लव से ज़्यादा मुझे वो आ रहा है, वाइब्स आ रहा है लव से रिलेटेड, ओके, टॉरस, वीर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। तो इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करें, ओके। एंड जिसने भी आपको पास्ट में हर्ट किया था, आपका दिल तोड़ा था, ओके, तकलीफ दिया था आपको या फिर ब्लॉक किया था कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को किसी ने ब्लॉक किया था, तो उस इंसान की तरफ से आपके साथ कम्युनिकेशन होने वाला है, ओके। वो इंसान आपको कम्युनिकेट करेगा या तो कॉल या फिर मैसेज करने वाला है। और शुरुआत में वो तो दोस्ती ही करेंगे ताकि बात फिर से ठीक हो, ओके, सही ट्रैक पर आए उसका वो कोशिश करेंगे। एंड देन अगर आप उस इंसान से प्यार मोहब्बत जैसा कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। एंड आप काफ़ी खुश होने वाले हो, कम्युनिकेशन लेवल आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। जिस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन बंद था उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, प्लस आपका कम्युनिकेशन बाकी लोगों के साथ भी अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी किस्म का फैमिली गैदरिंग, ओके, गेट टुगेदर, ये सब होने वाला है। कम लोग ही होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ होने वाला है गेट टुगेदर, फैमिली गैदरिंग, किसी किस्म का इंगेजमेंट हो या मैरिज हो, ऐसा कुछ आप लोग अटेंड कर सकते हो, सेलिब्रेट
करने वाले हो, ओके, आप लोग में भी आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हो, जो लोग अब काफ़ी टाइम से करियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली, ओके। बेसिकली आप लोग हील होने वाले हो, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी को भी मैं ले रही हूँ, ओके। आप लोग हील होने वाले हो, जो भी हुआ, जो भी हार्ड ब्रेक से आप लोग गुजर रहे थे उससे आप लोग हील होने वाले हो और एक किस्म का साइकिल ख़त्म होगा आप लोगों का, ठीक है। एक किस्म का साइकिल ख़त्म होगा और न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आपके लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर लव से रिलेटेड हो, एक न्यू साइकिल आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ओके। एंड खुश होंगे आप लोग जो भी चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि जब भी कोई इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, स्पेशली वो इंसान जिसके साथ आपका काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है या फिर आप कोशिश कर रहे हो बात करने का लेकिन वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या समथिंग कुछ इस किस्म का अगर सीन चल रहा है, तो मैं बोलूँगी कि आप शांति से बात करें, उनके साथ गुस्सा ना करें, ओके। और अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो कि कोई सामने वाला इंसान आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें, इग्नोर ना करें, आप बात करें, ओके, क्लियरली बात करें, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी यू नो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना आप लोगों का, उसको क्लियर करें, ओके। क्योंकि अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली लव, मैरिज, इन सब चीज़ों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा बढ़िया होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ आपके लिए आया है न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। यहाँ पर किसी को न्यू लव भी मिलने वाला है, ओके। क्या पता ये वही इंसान हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो और शायद आप लोग अब तक इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वही इंसान आपके साथ कॉन्टेक्ट करे और बात प्यार तक पहुँचे, शादी तक पहुँचे, ओके। यहाँ पर पूरी चांसेस है, तो स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है। दूसरा मैसेज है आपके लिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ कप्स भी आया है, तो खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरा इंसान आपसे प्यार कर पाएगा, ओके। यहाँ पर आपके लिए आया है, स्पीक अप, योर सोल इज़ गाइडिंग यू टू स्टैंड इन योर लाइट एंड स्पीक योर ट्रूथ। बात करने के लिए बोला जा रहा है, मैं क्या बोल रही थी आपको, अगर आप लोग किसी शख्स को इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर, मतलब इग्नोर कर रहे, बात नहीं करना चाह रहे, कुछ इस किस्म का अगर आप कर रहे हो, ओके, तो प्लीज़ बातचीत कीजिए, ओके। आपका दिल जो बोल रहा है, आपका सोल जो आपको गाइड कर रहा है, उसको सुनिए और बात कीजिए, ओके। आपके दिल में जो फीलिंग्स है, जो ट्रू फीलिंग्स है, उसको शेयर कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ लव से रिलेटेड ही नहीं, हर एक चीज़ में, चाहे वो कोई भी हो, आप लोग अपना दिल का बात बोला करें, ठीक है। ये इससे आप लोग ना हैंगमैन की एनर्जी से निकलोगे, वरना आप लोग अटके रहोगे किसी भी सिचुएशन में, ग्रो नहीं कर पाओगे, ओके। तो अपना दिल का बात बोला कीजिए, ओवरऑल आपका अगस्त का महीना अच्छा जाने वाला है, ओके। हेलो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, यहाँ आप लोगों के लिए कुछ लव गाइडेंस और ओरेकल मैसेज है, इसको मैं लास्ट में देखूंगी और मैंने कार्ड्स को रीशफल किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, माय गॉड लुक एट दिस, यहाँ पर आया टू ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स, देन आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, लवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट एंड द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है एट ऑफ वॉन्स एंड लुक एट दिस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स एंड लुक एट दिस जस्टिस, ओके, वाओ, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात, विजन्स पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर दिख रहा था जैसे कि आप लोग किसी बंधन में बनने वाले हो, ओके, किसी किस्म के बंधन में आप लोग बनने वाले हो, स्पेशली मुझे गर्ल बॉय नज़र आ रहे थे और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर लव से ज़्यादा रिलेट करने वाला एनर्जीज मिल रहा है, करियर के लिए भी है यहाँ पर, ओके, डोंट वरी। तो सबसे पहली बात, लव हो, लव लाइफ में तो आप लोगों को लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी शख्स ने आपको मे बी ब्लॉक करके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे रनर चेजर वाला सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, कुछ लोग, ठीक है, अदरवाइज सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो रनर चेजर वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अभी भी चल रहा है, जैसे कि
आप किसी को पसंद करते हो वो इंसान आपसे भाग रहा है, या फिर वो इंसान आपको पसंद करता है लेकिन आप उस इंसान से भाग रहे हो, इस किस्म की एनर्जी मुझे मिल रहा है। ओके, दोनों साइड का मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फंसे हुए हो। ओके, आप फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन से, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए क्या करें। ओके, कुछ इस किस्म का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है और ये चीज़ आप लोगों का ना दूर होने वाला है अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त के महीने में आपको क्लियरिफिकेशन मिलने वाला है। ओके, क्लियर कट बात होने वाला है। जिस शख्स ने भी आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो मुझे यहाँ अनब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, अनब्लॉक होने वाले हो आप लोग अगस्त के महीने में। क्लियर कट बात होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है आप लोगों का। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप लोग बात करोगे एक दूसरे से। एंड मुझे यहाँ पर आप लोगों को ना और भी ऑप्शंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे उस शख्स के तरफ से भी आपको प्रपोजल्स मिलेगा। ओके, प्यार का जो भी दिल में उनका फीलिंग्स है आपके लिए, वो चीज़ वो बोलेंगे आपके सामने, एक्सप्रेस करेंगे। एंड इसके अलावा भी मुझे एक और शख्स की तरफ से आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कोई और भी है जो आपको पसंद करते हैं और वो भी अपने दिल की बात आपको बता सकते हैं। ओके, और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत खूबसूरत होने वाला है आप लोगों का, चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप लोग की लव लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है ये अगस्त के महीने में। ओके, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत अट्रैक्शन होगा, सोल लेवल पर एक डीप कनेक्शन फील करोगे आप लोग, बहुत अच्छा फील करोगे आप लोग। लेकिन इस दौरान भी कुछ ऐसा होगा कि आप लोग कुछ टाइम के लिए हर्मिट मोड पे जाना पसंद करोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। हर्मिट मोड में तो हर्मिट कार्ड को बहुत खूबसूरत एनर्जी के तौर पर लेती हूँ, ये बहुत ही अच्छा एनर्जी है खुद को पहचानने का। ओके, लेकिन कई सारे लोग इसको काफ़ी नेगेटिवली लेते हैं, मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रांग कार्ड है। ओके, तो आप लोग कुछ टाइम के लिए हर्मिट मोड पे जा सकते हो ताकि आप लोग खुद को और भी ज़्यादा बेहतर तरह से जान सको, पहचान सको। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हर्मिट मोड पे आना जाना चलता ही रहता है, वो चीज़ होता ही है। ओके, सो डोंट वरी, कुछ टाइम आप लोग अकेले रहना पसंद करोगे ये मैं देख पा रही हूँ, और इससे आपकी एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा हाई होगा, आपकी बैटरी चार्ज होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप लोग जितना टाइम अकेले स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने के साथ साथ, आप लोग जितना अकेले टाइम स्पेंड करोगे आप लोगों के लिए उतना ही बढ़िया है। सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। ओके, और बहुत ग्रोथ होगा आप लोग का लव लाइफ एंड ऑल्सो करियर में भी। ओके, अगर आप लोग किसी किस्म की पसंदीदा काम का अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपको मिलते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर लव गाइडेंस आपके लिए आया है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। ओके, आपको क्लियरली डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, जिसका इंतज़ार है वो भी आएगा, फिर और भी कोई आएगा। यहाँ पर मुझे एक्स और न्यू लव का एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, वही आपको मिलेगा। यहाँ पर आया है रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स रियल है। ओके, सो डोंट वरी, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में कौन सा पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, आपको वही मिलेगा। ठीक है, वही मैनिफेस्ट होगा। यहाँ ऑरेकल मैसेज है आपके लिए, न्यू डोर, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड एंड ए न्यू डोर इज बीइंग हेल्ड ओपन फॉर यू। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे थे, जो भी दुआएं मांग रहे थे, जो भी प्रार्थना कर रहे थे, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, और आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। ये दरवाज़ा प्यार का भी है प्लस करियर का भी है, आप जिस चीज़ के लिए भी देख रहे हो उसके लिए है ये। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिएगा और खुश रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर तरफ से खुशियाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ देखिए एट ऑफ वॉन्स के नीचे क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो करियर में भी आप लोगों का बहुत ग्रोथ आने वाला है। एस ऑफ कप्स भी है, तो जाहिर सी बात है प्यार तो बढ़ेगा ही, और यहाँ पर टू ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों एक साथ आए हैं। वाकई में आप लोग बहुत ही लकी हो। ओके, आप लोगों का आने वाला महीना बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। हेलो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यहाँ पर आपके लिए कुछ लव गाइडेंस और ओरेकल मैसेज है, ये मैं लास्ट में देखूंगी। और मैंने कार्ड्स को प्री शफल करके रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि हर एक साइन के लिए मैं बोल रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जब मैं विजन्स देख रही थी लाइक शफल करते वक्त जो मुझे दिखाई दिया,
वहाँ से मैं इतना बता सकती हूँ आप लोगों को, थोड़ा केयरफुल होकर स्टेप्स आगे बढ़ाइए, ओके। आपको सक्सेस भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर आपको आगे बढ़ना है। मतलब हड़बड़ी में कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है? स्लो एंड स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। हड़बड़ी में कुछ भी, एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी गलत डिसीजंस मत लीजिएगा, ठीक है? तो ये बातें बोलूँगी, ओके। तो यहाँ जो कि मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोगों का एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ओके। आप किसी किस्म की सिचुएशन में मानो फंसे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। मानो चाहे वो किसी कनेक्शन में हो, ओल्ड मेमोरीज हो, या फिर चाहे करियर से रिलेटेड हो, किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए थे, बंधे हुए थे, और वो एक किस्म का इल्यूजन था, ओके। बट वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ आपके लिए कार्ड्स आया है, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्स, एंड बॉटम आपका डेक आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ देखिए आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्लो एंड स्टडी, और या सो या, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ओके। किसी अपॉर्चुनिटी का, जैसे कि मानो आप लोग वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और बंधे हुए से हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाला है। आप लोग उस इल्यूजन से निकलने वाले हो, उस नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से आप लोग निकलने वाले हो, एक न्यू स्टार्ट होगा, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली स्टेप आगे बढ़ाना है, ओके। आगे आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं, सक्सेस है। पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग थोड़े सोचोगे कि इतना खर्चा करूँ या ना करूँ, सेविंग्स में से इतना खर्चा करूँ या ना करूँ, कुछ इस किस्म का आप लोग सोच सकते हो अगस्त के महीने में। लेकिन डोंट वरी, डेफिनेटली सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, बट टेंशन कम होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके। आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, बोल्ड फील करोगे अगस्त के महीने में, ठीक है? आप अपने इमोशनल साइड को थोड़ा सा साइड करोगे, इमोशनल भी रहोगे, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, बट स्टिल आप अपने इमोशनल साइड को थोड़ा साइड करोगे, ओके। और क्या करोगे, आप कॉन्फिडेंट लेवल को हाई करोगे, बूस्ट अप होगा आप लोग के कॉन्फिडेंस लेवल, काफ़ी कॉन्फिडेंस होगे, आप लोग किसी किस्म की डिसीजन लोगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स मिलने वाला है, ओके। अच्छे खासे इंसान होंगे, जो भी होंगे वेल एडुकेटेड होंगे, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, एंड फैमिली ओरिएंटेड इंसान होंगे, ठीक है? तो ऐसे इंसान से आपको प्रपोजल मिलने की चांसेस है, हो सकते हैं वो आपसे एज में थोड़े से बड़े हो, ओके। 5 to 7 ईयर्स के मुझे गैप नज़र आ रहा है, ओके। तो थोड़े बड़े हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 3 ईयर्स भी हो सकते हैं बड़े, ओके। तो ऐसा होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है, ओके। काफ़ी खुश होंगे आप लोग, अपने फैमिली के साथ काफ़ी खुश रहेंगे, अगस्त के महीने में यूनिटी बढ़ेगा आप लोगों का फैमिली में, थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हो, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी का वेट कर रहे हो, ओके। आप जिसका भी वेट कर रहे हो वो इंसान आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान में राह देख रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको प्रपोजल आ जाएगा या फिर उस इंसान से कॉल मैसेज आ जाएगा, नो, मैं ये नहीं कह रही। पूरा अगस्त का महीना होता है, तो मैं यहाँ पर कोई टाइम स्टैम्प नहीं लगा रही हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट वीक में आएगा या सेकेंड वीक में आएगा, लेकिन अगस्त के महीने में आने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और वो कोई अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, ओके। टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरिस, लियो, सेजिटेरियस में से वो इंसान हो सकते हैं, और आप लोग काफ़ी खुश होंगे, आपकी फैमिली भी काफ़ी खुश होंगे उस प्रपोजल से, मुझे ये यहाँ पर फील हो रहा है। अगर आप जॉब या करियर से रिलेटेड किसी किस्म की प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा, ओके। लेकिन थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मतलब आपके घर से वर्क प्लेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिस्टेंस हो सकता है थोड़ा, ओके। लेकिन आपको अच्छा प्रपोजल ही मिलेगा, चाहे वो लव हो या करियर हो। सो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आपके लिए वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ओके। आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, आपको पास्ट का इंसान चाहिए या नया कोई इंसान चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। एंड नॉट ओनली दैट, लाइक करियर से रिलेटेड भी अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है कि कौन सा काम करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो उस कन्फ्यूजन को आपको क्लियर करना है, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर करोगे वो तुरंत आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, ओके। वेट, ओके। तो दूसरा मैसेज है आपके लिए, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ओके। आपके लिए लाइक डिवाइन टाइमिंग आ गया है,
इस अगस्त के महीने में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप वेट कर रहे थे, मैंने बोला ही था, और यहाँ पर भी आप वेट ही कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्स, लाइक अगस्त के महीने में भी आपका ये इंतज़ार थोड़ा सा रहेगा ज़रूर, लेकिन अगस्त के महीने में ही आपको आपका इंतज़ार ख़त्म भी होगा, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिएगा, आपको जिसका इंतज़ार है वो आपको मिलने वाला है, चाहे वो इंसान हो या करियर, ओके। एंड दूसरा यहाँ ओरेकल मैसेज आपके लिए आया है, वॉक अवे, लीव द अनहेल्थी सिचुएशन एंड एंजॉय द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट। ब्यूटिफुल। सी, मैंने बोला था पास की एनर्जी को लेकर, अगर पास पे कोई नेगेटिव टॉक्सिक इंसान से आपका कनेक्शन था तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको बोला गया है, ओके। और खुश रहने के लिए बोला गया है, जैसे ही आप खुश रहोगे आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगा आपके लाइफ में, खुशियाँ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा अगर आप खुश रहोगे तो। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पास की नेगेटिव सिचुएशन से आपको निकलना है, ओके। अगर आप मैरिड भी हो तो अगस्त के महीने में आपकी मैरिज लाइफ में खुशियाँ आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और पीसफुल, एक पीसफुल लाइफ मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगस्त के महीने में, ओके। सो ये रहा आपका रीडिंग, ऑल द बेस्ट। हेलो लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस, मैंने कार्ड्स को प्री शफल करके रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि सभी साइंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ इसीलिए। और यहाँ आप लोगों के लिए लव गाइडेंस है प्लस ओरेकल मैसेज भी है, वो मैं लास्ट पे लिखूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर भी मुझे बाकी साइंस की तरह ये लव से रिलेटेड ज़्यादा सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रहा है, करियर से भी है लेकिन करियर से रिलेटेड थोड़ा कम है, ओके। खैर, यहाँ पर आपके लिए आया है फोर ऑफ सॉट्स, द टावर, क्वीन ऑफ सॉट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए थ्री ऑफ सॉट्स, और यहाँ है आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्स, ओके। सो कैसा जाने वाला है? सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी स्टक हो अपने लाइफ में, ओके। किसी किस्म का लाइक स्पेशली लव से रिलेटेड मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि आप लोग पास्ट में अटके हुए हो, ओके। पास्ट में अटके हुए हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मुझे इस किस्म का एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। एंड अगस्त के महीने में तो आपको थोड़ा सा झटका मिलने वाला है, चांसेस है कि आपके लाइफ में टाव मोमेंट आए, ओके। सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए आएगा। अगर आपको रिवर्स सिग्नल दे रहा है कि आप इस शख्स को इस सिचुएशन से बाहर निकले, इस शख्स को छोड़े, ओके, दूसरा तरफ आप आगे बढ़ें, अपने लाइफ को न्यू स्टार्ट करें, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है टाव मोमेंट आना ही है, ओके। टाव मोमेंट आएगा देन आपका दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा, ओके, आपका इंट्यूशन का दरवाज़ा खुलेगा और आप सही एक्शन ले पाओगे, मुझे यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। सो टाव मोमेंट को लेकर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है टाव मोमेंट से पहले आप थोड़ा सा एंशियस हो जाए, आपको थोड़ा सा समझना है कि ये चेंज क्यों आ रहा है, ये बदलाव क्यों आ रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको थोड़ा सा डर वाला भाव रह सकता है, ओके। हार्ट ब्रेक वाला जो भी सिचुएशंस है, ओके, थोड़ा सा आपका हार्ट ब्रेक होगा उस वक्त, जब भी टाव मोमेंट आएगा कुछ ऐसा होगा, लाइक आप किसी शख्स को जो आपके लिए अनहेल्थी है, अनहेल्थी होने के बावजूद अगर आप उस शख्स के साथ अटैच हो, या फिर कोई करियर ऐसा है जो अनहेल्थी होते हुए भी आप मजबूरी से वो काम कर रहे हो, तो वो काम छूटने वाला है, वो शख्स छूटने वाला है, ओके। इस वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा पेन होगा, ओके, लेकिन ये होना ज़रूरी है, ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है जैसे कि किसी लेडी के साथ आपका थोड़ा सा अनबन हो सकता है, ओके, किसी फीमेल पर्सन के साथ, ओके। सो बी केयरफुल, वो काफ़ी स्ट्रांग है, ओके, उनका ज़ुबान थोड़ा तेज़ है, तो किसी फीमेल पर्सन के साथ आपका झगड़ा होने के चांसेस है, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे इंसान हैं जिनका डिवोर्स होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, अटके हुए हैं आप उस कनेक्शन में, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका डिवोर्स फिक्स है अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था तो मैंने बता दिया, ओके। एंड मुझे जो विजन्स में दिखाई दिया था, विजन में मुझे एक चीज़ दिखाई दिया था कि एक बंदा या एक बंदी जो भी है, मुझे एक हाथ दिखाई दे रहा था बस, वो एक रोज़ दूसरे इंसान को रोज़ गिफ्ट कर रहा है, ओके, एक किस्म का प्रपोज़ल, चाहे वो लव हो, आपका करियर हो, स्पेशली लव से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, प्रपोज़ल मिलेगा,
ओके, लव मैरिज इस किस्म का प्रपोजल आपको मिलेगा, जिससे आपके लाइफ में क्या आएगा, हीलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए टेम्परेंस भी आए हैं। आप लोग काफ़ी वर्क करने वाले हो अगस्त के महीने में, चाहे वो लव हो या फिर करियर हो, जिसमें आप ज़्यादा एनर्जी लगाना पसंद करोगे, आप उससे बहुत मेहनत करोगे, ओके, आपकी विशेज फुलफिल होगा, ठीक है, बस आपको मेहनत करना है। हीलिंग अवेलेबल है आपके लिए, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स की हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। जैसे ही आपको लगेगा कि टाव मोमेंट आ गया है आपके लाइफ में, थोड़ा सा आप डेफिनेटली दगमगाओगे, थोड़ा सा आपको पेन होगा, बट देन आपको रियलाइज़ होगा कि जो हुआ सही हुआ, आपके भले के लिए हुआ, ओके, आपके भले के लिए हुआ। और अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत सारे हीलिंग्स है, ओके, हीलिंग्स है, एंड आपका वो अकेलापन ख़त्म होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे काफ़ी लोनली लगते हैं, सब कुछ होते हुए भी ये शख्स काफ़ी लोनली है। शायद आपका एनर्जी भी कुछ ऐसा है कि सब कुछ होते हुए भी आप काफ़ी लोनली फील करते हो, वो लोनलीनेस ख़त्म होने वाला है, ओके। यहाँ ऑरेकल मैसेज है आपके लिए अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई इन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली, ओके। यहाँ आपके लिए आया पेज ऑफ वॉन्स, अगस्त के महीने में आप इस एनर्जी में भी आने वाला हो, इससे निकल के इसमें आओगे, ठीक है। तो आप जैसे ही इन्जॉय करोगे अपने लाइफ को, अपने करंट मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को, जैसे आप इंजॉय करोगे, आप न्यू लव, रोमांटिक लव को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे, ओके। नॉट ओनली न्यू लव, बाय द वे, मैंने मेरे मुंह से न्यू लव निकला तो डेफिनेटली न्यू लव भी मिलेगा आप लोगों को, बट आप लोग रोमांटिक लव को अट्रैक्ट करोगे, ओके, जैसे आप खुद को इंजॉय करने लगोगे, करंट मोमेंट में रहने लगोगे, ओके। दूसरा मैसेज आया है आपके लिए, एंगेजमेंट, ओके, वाओ, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सी, मैंने विजन्स में भी देखा था वो फ्लावर रोज गिफ्ट किया था, ओके, एक शख्स ने दूसरे शख्स को रोज गिफ्ट किया था। यहाँ पर भी सेम मुझे लग रहा है, कमिटमेंट मिलने वाला है किसी को, या फिर अगर आप किसी को देने वाले हो कमिटमेंट, तो वो आप दे सकते हो, और बात क्या होगा, इंगेजमेंट तक आ सकती है, ठीक है। किसी किसी का एंगेजमेंट होने का भी चांसेस है, लेकिन स्पेशली कमिटमेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, और आप लोग खुश होंगे, इससे आपको हीलिंग मिलेगा। ऑरेकल मैसेज है आपके लिए, इमोशनल हीलिंग। सी, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड सॉरी इमोशनल पेन, यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। सी, यहाँ पर भी हीलिंग की बात हो रही है, यहाँ पर भी टेम्परेंस है, मैं बोल ही रही थी हर जगह आपका, आपके लिए हीलिंग आना है बेसिकली, ओके। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप लोग निकलोगे, ओके, तो आपको क्या करना है, इमोशनल जो भी पुराने मेमोरीज थे, बैड मेमोरीज थे, उसमें आपको फंसे हुए नहीं रहना है, उसको रिमूव करना है। जैसे पुराने बैड मेमोरीज को आप लोग हील करोगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगा, न्यू लव आएगा, और आप लोग क्या होंगे, और भी ज़्यादा हील होंगे, और भी ज़्यादा खुश रहोगे, आपके लव लाइफ में काफ़ी कुछ खुशियाँ आएगी, ओके, अच्छा होगा सब कुछ, ओके। तो ये रहा आपका अगस्त का महीने का रीडिंग, ऑल द बेस्ट।